नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 अगस्त 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखेंगे और उसके साथ ही दोस्तों रिजल्ट की भी बात देखेंगे। तो हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जहां से आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट करना बेहद ही आसान है। ठीक है, रिजल्ट अपना डाउनलोड करिए, उसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट सी टेट सुपर टेट लेटेस्ट न्यूज के बारे में। और उसके बाद दोस्तों डीएलएड स्क्रूटनी के लिए आवेदन लगातार जारी है। हर एक अपडेट पर हम लोग नजर बनाएंगे। न्यूज पेपर के माध्यम से कुछ बड़ी अपडेट है उसको भी देखेंगे। एक और दोस्तों बड़ी खबर देखिए, बरेली एसएसपी ऑफिस में 2 घंटे भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। रेप पीड़िता ने दरोगा को जूते से पीटा। जी हाँ दोस्तों, भैया दरोगा जी की कभी कभी जूतों से पिटाई हो जाती है, अच्छी खासी इज्जत धूल में मिल जाती है, तो जरा ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये होता क्यों है, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबमिट स्क्रूटनी फॉर्म डीएलएड 2021-18-15 बैच, 2017 बैच और डीएलएड का 2018 बैच। जी हाँ दोस्तों, जो ये दो बैच है ना, उनका स्क्रूटनी के लिए आवेदन जो हो रहा है वो एक अलग वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रूटनी के आवेदन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ऐसा नहीं कि स्क्रूटनी के लिए कुछ बच्चों का आवेदन नहीं होगा, सभी बच्चों का आवेदन होगा। उसके बाद दोस्तों आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट है कि सीटेट का पेपर कब तक हो सकता है, लेकिन 14 जुलाई के बाद अभी तक कोई नया नोटिफिकेशन सीटेट की तरफ से जारी नहीं किया गया। इसीलिए बच्चे परेशान है कि कब से आवेदन की प्रक्रिया होगी और कब तक आवेदन लिए जाएंगे और पेपर साल में क्या अंत तक होगा कि 2023 में जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर कोरोना केसेस की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश में 3,948 कोरोना के नए केसेस सामने आए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस समय जापान में जो सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहा है, 1,53,000 से ज्यादा केसेस, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। तो हर एक अपडेट पर हमारी नजर होगी, कोरोना केसेस से लेके डीएलएड स्क्रूटनी आवेदन, सीटेट की लेटेस्ट अपडेट, यूपी टेट की अपडेट और क्या चल रहा है दोस्तों आजकल समाज में, हर एक अपडेट हम देखते हैं। एक और दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने रखना चाहेंगे, इस विभाग में 19 साल के बाद होगी शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि कहां पर अभी तक 19 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और खबर कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, कल सुनवाई संशोधित रिजल्ट पर निर्णय नहीं हो पाया। तो हर एक अपडेट पर जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, तो एक एक करके चलिए आज की अपडेट को देखते हैं और फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। जी हाँ, आप में से भी लाखों बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि नए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आएगा तो कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। देखिए, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी वैकेंसी हो सकता है 2022 में निकले लेकिन नियुक्ति पत्र आपको 2024 तक मिले, तो उस बीच में आप करेंगे क्या? जी हाँ दोस्तों, क्या सिर्फ आपको इंतजार करते रहना चाहिए कि चलो ठीक है, अब हमारी नौकरी लगने वाली है, 1.5-2 साल तक हम घर बैठे इंतजार करेंगे? जी नहीं। तो पहले इस अपडेट को देखते हैं कि कल सुनवाई संशोधित रिजल्ट पर निर्णय नहीं हो पाया। प्रयागराज से अपडेट है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1,504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के संशोधित परिणाम का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जाँच कराई थी। 571 शिकायतों के मिलान में 132 सही पाई गई थी। शासन ने 8 जून को संपूर्ण परिणाम का दोबारा मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल घोषित करने के आदेश दिए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब यही आपकी पीएनपी कार्यालय ने परिणाम में संशोधन का काम पूरा करते हुए पिछले महीने पूरा परिणाम निरस्त करने की अनुमति शासन से मांगी थी। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या होता है आजकल, एक बार दोस्तों रिजल्ट आ जाता है फिर उस रिजल्ट को क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो अब जो बच्चे इसमें धांधली करते हैं, पैसा देते हैं, उन बच्चों का तगड़ा नुकसान होगा, सारा पैसा डूबने वाला है। पिछले साल 15 नवंबर को घोषित परिणाम निरस्त करने के बाद ही संशोधित रिजल्ट जारी हो सकता है। तो इस अपडेट को देख रहे थे, उसके बाद देखिए चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन 10 सितंबर तक, मतलब ये कहाँ की अपडेट, ये प्रयागराज से अपडेट है।
राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता भर्ती 2020 में चयनित और सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड 2018 में प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन 10 सितंबर तक हो जाएगा। तो ये वैकेंसी 2018 एक 2020 की, तो हर एक अपडेट हम इसलिए अब तक लाते रहते पुरानी पुरानी खबरें, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि कब तक आपको नौकरी मिलने वाली है। पुरानी खबर नहीं, खबर तो नहीं है, लेकिन सोचिए कि वैकेंसी 2018 की एलटी ग्रेड थी, प्रवक्ता भर्ती दोस्तों 2020 थी, 2022 चल रहा है, ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखना है। फिर अगली अपडेट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दो और विभागों को 27 नए शिक्षक मिल जाएंगे। राजनीति विज्ञान विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए 7, 8 और 9 और 10 सितंबर को इंटरव्यू होगा। तो ये दोस्तों अलग अलग जगह है जहां पर काफी समय के बाद वैकेंसी आई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बरेली एसएसपी ऑफिस में घंटे भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ दोस्त, ये खबर जरूरी है। कभी कभी आजकल एक बात सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बताना चाहेंगे, आजकल काफी फ्रॉड कॉलें आ रही हैं, वीडियो कॉल। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर कॉल, इंस्टाग्राम पर कॉल या फेसबुक मैसेंजर पर कॉल अगर आप लोग करते हैं, अगर सामने कोई अननोन व्यक्ति है, लड़का है या लड़की है, उससे सावधान रहिए। आजकल हो क्या रहा है ना कि वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मान लेते हैं कोई लड़की आपसे चैट करने के लिए किसी लड़के को मैसेज करती है, आपको लगेगा अरे वाह यार, लड़की हमसे मैसेज कर रही है, बात कर रही है, वीडियो कॉल करना चाहती है। फिर दोस्तों वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगी, उसके बाद एक फोन आएगा आपकी तरफ से जिसमें बोला जाएगा कि भैया मैं पुलिस ऑफिसर या ये बोल रहा हूँ, ठीक है, या कोई यूट्यूब की तरफ से कॉल कहेगा कि भैया मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो हमारे तक आ चुकी है, अगर आपने इतने रुपए अकाउंट में जमा नहीं कराए तो आपकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। तो सावधानी जरूरी है गाइस, ठीक है, इंतजार मत करिए। अगर कुछ भी अगर लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसमें फंस चुके हैं, तो सीधी बात है, अगर आप फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम पर हो या कहीं पर भी हो, फेसबुक पर है तुरंत फेसबुक अकाउंट डिलीट करिए उस समय के लिए, इंस्टाग्राम पर हो तुरंत डिलीट करिए, सोचना नहीं, नहीं तो वही वीडियो आपके जान पहचान वालों को भेज दी जाएगी, जिससे आप काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। होता है ना कि घर वाले जब देखेंगे कि मेरा बच्चा या हमारे रिश्तेदार ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो काफी बदनामी होती है। बरेली के एसएसपी ऑफिस में सोमवार को घंटे भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहां एक रेप पीड़िता ने दरोगा को मतलब जूतों से पीट दिया। महिला ने दरोगा पर आरोपियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल अगर आप किसी केस में जाते हैं तो एक होता है समझौता। आजकल आप देखते होंगे समझौता भैया पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही कराने लगे, ये नहीं कि FIR लिख के जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। जी हाँ दोस्तों, समझौता होने लगता है। बरेली के एसएसपी ऑफिस में सोमवार को घंटे भर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। एक रेप पीड़िता महिला ने आरोपियों से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए प्रेमनगर थाने के दरोगा की जूतों से पिटाई लगा दी। पुलिस और महिला में हाथापाई हुई, बीच बचाव में महिला को भी पुलिस कर्मियों के कई हाथ पड़ गए। सीओ और इंस्पेक्टर कोतवाली एसएसपी ऑफिस पहुंचे, महिला को महिला थाना पुलिस की हिरासत में रखा गया है। प्रेमनगर में अशरफ खान चौकी इंचार्ज मोहित चौधरी पहले बहेड़ी में तैनात थे। बहेड़ी की रहने वाली पीड़िता सोमवार को दोपहर बाद एसएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां दरोगा मोहित चौधरी ऑफिस में अपने कुछ काम से गए थे। जी हाँ दोस्त, ये सब चीजें जरा ध्यान में रखिए। अंदर से लौटने के बाद महिला ने एसएसपी ऑफिस गेट पर ही उन्हें घेर लिया, जूतों से उन पर हमला कर दिया। दरोगा ने अपने बचाव की कोशिश की, वही एसएसपी ऑफिस गेट से बाहर चले गए, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, हाथों और जूते से मारना उनको शुरू कर दिया। तो देख लीजिए भैया, दरोगा बनने के बाद भी जूता पड़ जाता है, अगर गलत काम करेंगे तो जूता खाना तय है आपका, ठीक है। बाकी दोस्तों डीएलएड की जो डेट शीट है उसको हमने कमेंट बॉक्स में लिंक के माध्यम से पिन कर देंगे, उसको जरा देख लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कब तक आपका पेपर होगा। बाकी दोस्तों डीएलएड का रिजल्ट जारी हो चुका है, अगर आप फेल हैं या पास हैं, एक बार अपना रिजल्ट डाउनलोड करके रख लीजिएगा कि आगे कभी जरूरत पड़े तो वो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं करते, बाद में वेबसाइट नहीं चलती, फिर आप परेशान होते कि सर जी हमारा रिजल्ट डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है, जब वेबसाइट चल रही है इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं डाउनलोड करके रख लीजिए। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की क्या अपडेट है? जी हाँ देखिए दोस्तों, यूपी टेट का पेपर, सी टेट का पेपर, अभी जो बच्चे डीएलएड 2022 में या बीएड में एडमिशन लेंगे, हो सकता है सभी बच्चों को मौका मिल जाए। एनसीटी की नई गाइडलाइंस आ चुकी है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है? तो नई शिक्षक भर्ती के इंतजार लाखों बच्चे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए और वैकेंसी में मौका मिले।
स्कूटनी के लिए आवेदन लगातार जारी है और आपको बता दें, एक विषय के लिए स्कूटनी में आवेदन करने के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉलेज वाले आपसे ज्यादा पैसे ले रहे होंगे, जब सभी जानकारी आपको पता है उसके बाद भी कॉलेज वाले आपको लूट रहे हैं। इसलिए दोस्तों हर एक अपडेट की जानकारी आप तक होनी चाहिए। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तैयारी बेहतर तरीके से करिए, फेल छात्र के लिए खबर हो या कोई भी खबर हो, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ठीक है, दलालों से सावधान रहिए, गलत लोगों से संपर्क में मत आइएगा। अगर आपको अपना प्रत्यावेदन का फॉर्म भरना है तो खुद SCERT जाइए, अपना फॉर्म भरिए और रिसीविंग लीजिए। अगर SCERT से पहले एक बात, एक काम और करिएगा, पहले अपने कॉलेज से संपर्क करिए, कॉलेज वाले अगर आपका काम कराते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपके पास डाइट का विकल्प है, डाइट में जाइए। अगर वहां से भी काम ना हो तब SCERT जाइए, क्योंकि आपके घर से अगर SCERT दूर है तो समय लगेगा। ठीक है, तो समय से निकलिए, समय से काम कराइए। बाकी हर एक अपडेट की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। PNP की अपडेट हो चाहे सेमेस्टर एग्जाम की अपडेट हो, हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।